नहीं, बुलंदशहर ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है। एक दलित महिला के हाथ एक सवर्ण की पानी की बाल्टी से लग गया, इसलिए उस गर्भवती महिला को सरेआम पीट पीट कर मरने तक और उसके पेट के बच्चे को भी मरने तक इतना मारा गया कि वहां उनकी मौत हो गई। ये घटनाएं अभी 2 महीने पहले की है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे मानसिकता है, जो संस्कार हमारे दिमाग में घुसाए गए हैं। आज भी मैं अभी परसों के दिन आपको एक इवेंट ये बता रहा हूं, जो कचरा चुनने वाली औरतें होती हैं थाना में, जो जरी करीब 800-900 टन कचरा होता है, उसमें क्या करीब करीब 20-25% कचरा में से प्लास्टिक, लोहा, कागज, पुट्ठा निकाल कर रिसाइकलिंग के लिए जो महिलाएं भेजती हैं, उनके लिए एक प्रकल्प महानगर पालिका ने शुरू किया है वागले स्टेट में। जो पूरे शहर का कचरा वहाँ जाता है, वहाँ से फिर डंपिंग के लिए जाता है, वहाँ पर वो कचरे में से जो पुट्ठा उठकर निकालती हैं, उन महिलाओं के साथ बात करने के लिए मैं गया था। मुझे क्या पता चला, वहाँ पर जो काम करने वाली महिला है उसको 200 रुपये मिलते हैं और जो पुरुष काम करता है उसको 300 रुपये मिलते हैं। आज का मिनिमम वेज किमान वेतन 600 रुपया कम से कम है, और थाना शहर में जो कि स्मार्ट होने जा रहा है, वहाँ पर कचरा चुनने वाली औरत को 200 रुपया दिया जाता है। ये शोषण की जड़ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संस्कार तो हमारे बदलने चाहिए, लेकिन समाज में जो ये आर्थिक विषमता की जो दरी बढ़ रही है, वो दरी के साथ साथ जाति और धर्म की दरी भी उतना ही बढ़ रही है। गरीब देखिए ना कौन है, 85% लोगों का जिक्र हमारे कोचेवाड़ साहब ने यहाँ पर किया, वो कौन है उसमें 85% लोग, जिनको पेट को रोटी भी मिल सकती है, ऐसे लोगों का शोषण आए दिन गांवों में रोज हो रहा है, और वो पुलिस स्टेशन में जाके तकरार भी नहीं कर सकते। इस मानसिकता को भी बदलने के लिए हम थाना में रहकर हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हम लोग जमा हुए, इन घटनाओं का तो हम निषेध करते ही है, उसके पीछे हमारे जो एडवोकेट्स हैं या और जो सारी ताकतें वो लगेंगी, लेकिन हमारी मानसिकता उपभोगवादी वृत्ति से हटाकर हमें एक नया समाज निर्माण करने का विचार हमारे दिमाग में लाना चाहिए। इतना ही मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जेजुरीकर मैडम और कुचेवाड़ साहब और मात्रे मैडम ने और सर ने जो यहाँ पे बातें कही है, उन सभी बातों का मैं पुनः जिक्र नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैं कहूँगा कि हम अन्याय अत्याचार की जड़ को खत्म होने तक सब मिलकर साथ में, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो या किसी गरीब के साथ अत्याचार हो, उन सबको एक साथ मिलाकर हमको चलना पड़ेगा, और उसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कहते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा हैं, इसकी पहचान है जिंदाबाद। थैंक यू जगदीश सर। Now I call upon Jagruti Kendra of Jari Meri. They will come on stage and they will start singing the song Hum Honge Kamyab, and we will light the mashal and pass it on. The mashal is a sign that from today onwards we are lighting up, or kind of a, we are making a pledge.